ready. मैं BTS न्यूज में अनुदिन से बोल रहा हूँ आसाम से, आसाम गुवाहाटी। आइए मैं बात करता हूँ सर आज बंदी के बारे में। सर ये बताइए आज बंदी क्यों है? आज जो ये गवर्नमेंट ने जो सेटलमेंट ऑफ हिंदू बांग्लादेशी को जो ये लाया है, आइन लाया है, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज का बंद। ये बंदी होने के कारण से आपको क्या कोई तकलीफ नहीं है? हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हमारा तकलीफ का ऐसा बात नहीं है। और हम ऐसा है जो एप्लीकेशन लेते हैं पहले से जो जो सामान जरूरत होता है आज का आदमी का, तो हमने आप पहले ये बंद रहेगा। जनरली आसाम में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आज बंद होने के कारण से कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? डेफिनेटली उन लोग का जो बहुत तकलीफ होगा, एक दिन का कमाने जो 400-500 रुपये उन लोग का कमाई है वो आज नहीं होगा। एक उन लोग का तो इफेक्ट हमेशा ये मजदूर लोग का जो किसान लोग का है, हमेशा ये बंद से इन लोग का इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ में आज गरीब लोग किसान लोग होंगे। ओके सर, थैंक यू। मैं BTS न्यूज से मैनुद्दीन आसाम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। आज आसाम बंद है, क्यों बंद है, किस कारण बंद है, आइए मैं बात करता हूँ करीम चौधरी से। सर बताइए आप। आज आसाम किस लिए बंद है? जी आसाम के लिए आज एक बहुत दुख का बात है, क्योंकि सरकार है ना, बीजेपी सरकार है, उन्होंने आसाम का पीपल को बिट्टे करने के लिए एक मूव चला रहा है। आसाम का जो इंडिजीनियस पीपल था पहले, दे कम टू द पावर, कि हम लोग इंडिजीनियस पीपल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंडिजीनियस पीपल से वोट लेके आया, लेकिन पावर में आने के बाद सब उल्टा हो गया। आसाम में एक मूवमेंट था कुछ साल पहले, फॉरनर्स प्रोटेक्शन का मूवमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बीच में क्या है कि आसाम से जो फॉरनर्स कोई भी रिलीजन का हो उसको बाहर फेंकना है, उसका प्रोसेस चल रहा है। ये सरकार आने के बाद क्या कहें, उनके वोट का धंधों के लिए उन लोग ने अभी उल्टा बांग्लादेशी हिंदू को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो लोग हम लोग का कोई ये नहीं है, हम लोग का कैसा लॉस होगा क्या होगा वो सब कोई मतलब नहीं, उनका सिर्फ वोट चाहिए, इसलिए हिंदू बांग्लादेशी को लाने के लिए, बांग्लादेश का जो आएगा उनका फुल प्रोटेक्शन दे के रखने के लिए ये सब एक ऑर्डिनेंस पास करने के लिए जा रहा है, जिसके खिलाफ में ये सब चल रहा है। ये बंद जितना आसाम का इंडिजिनियस पीपल है टोटल ऑलमोस्ट अबाउट 60 ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर अपोजिंग दिस बंद। पीपल आर स्पॉन्टेनियसली सपोर्टिंग द बंद। क्या आसाम से बिहारी भगाने का आलोचना? नहीं, वेरी रॉन्ग। इट इज ओनली द फॉरेनर्स, ओनली फॉरेनर्स, द इलीगल फॉरेनर्स, इलीगल हिंदू और मुसलमान जो भी हो, रैली आप निकाला है, किस लिए रैली निकाला है आप ये बताएं। वो केंद्रीय सरकार ने जो नागरिक संशोधन 2016 बिल पास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग असम गण परिषद ये प्रतिवादी कार्यसूची निकला हुआ है। और हम असम गण परिषद को तीव्र जोरदार हम प्रोटेस्ट करता है, इसको कोई किसी कारण में ये बिल पास होने हम लोग नहीं, ये हमारा वादा है असम को, असम को जनता के पास ये हमारा वादा है, किसी कारण में ये पास ये बिल पास होने नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। BTS